इस वीडियो में बात करेंगे कुछ बेहतरीन शेयर के बारे में। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं निश्चित रूप आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न बन लेगा। लेकिन दोस्तों बता दें कि ये सारे शेयर रिस्की भी उतने हैं। अगर ये शेयर चल जाता है तो आपके लाखों रुपये को बहुत ही जल्द करोड़ों बना सकता है। लेकिन मार्केट में गिरावट आया तो इसमें आपको 50% तक करेक्शन भी देखने मिल सकता है। जैसे 50% करेक्शन होता है तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। इसलिए इसमें कभी भी हायर लेवल पे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर हम आपका वीडियो देखकर इन्वेस्ट किया यहाँ पर फंस चुके हैं। तो दोस्तों हम क्लियर बताते हैं, लेवल भी बहुत सारे स्टॉक में आपको बताते हैं कि इस प्राइस पे आए तभी आपको बाय करना है, कभी भी हायर लेवल पे नहीं फंसना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही लॉन्ग टर्म के लिए तो आप धीरे धीरे SIP करें। देखिए कोई भी बड़ा अमाउंट तभी लगाता है जब मार्केट अपना बॉटम बना रहा हो, मतलब मार्केट में गिरावट हो गया हो और स्टॉक जो है काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा हो, तो उस समय हम जो है एक जो बड़ा अमाउंट है उस समय इन्वेस्ट करते हैं। तो कभी भी बड़ा अमाउंट जो है जब मार्केट हाइयर लेवल पे है तो इन्वेस्ट ना करें। अब देखिए HLE ग्लॉसकॉट, ये स्टॉक मैंने आपको कब बताया है, बहुत बार आपको ये स्टॉक मैंने बताया, जब ये देखिए वहाँ पर 1400 आसपास ये स्टॉक यहाँ पर जब ये कंसोलिडेट कर रहा था लंबे समय तक, उस समय मैंने आपको बताया था कि आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये स्टॉक यहां से लगभग मतलब 3 times हो चुका है, लगभग 3 times हो चुका है। तो अब आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ट्रैप होंगे ही। इतना ज्यादा भाग रहा है, जब मार्केट में गिरावट होगा उतना ज्यादा करेक्शन भी दिखाएगा, तो ऐसे में आप ट्रैप होंगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि देखिए पहले भी ये स्टॉक यहाँ पर 3000 के आसपास गया, वहां से गिर करके ये लगभग 2300 रुपये तक गया था। देख सकते हैं बहुत बड़ा गिरावट भी होगा, क्योंकि जो स्टॉक जितना रैली कर चुका है तब मार्केट में गिरावट होगा तो ये स्टॉक भी उतना ही ज़्यादा गिरेगा। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में स्टॉक को ऊपर ही जाना है, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो जो अच्छे कंपनियां हैं उसके साथ बने रहिए, अच्छे कंपनियों के साथ आपको बने रहना है, बस रिटर्न तो खुद ब खुद मिलेगा लॉन्ग टर्म में। कभी भी कंपनी आप जैसे तैसे ना सेलेक्ट करें, कंपनी हमेशा आपको अच्छे सेलेक्ट करना है जो कि बेहतरीन स्टॉक हो। अगला है GMM फॉडलर, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया है। लेकिन प्रमोटर्स के एक बिहेवियर के कारण जब स्टॉक 7000 के आसपास था, यहाँ पर OFS जो लाया 3500 और ये स्टॉक वहाँ से क्रैश हो गया। तो इसमें कोई भी मतलब फंडामेंटल इश्यू नहीं है, सिर्फ OFS आया था 3500 पर, इसके कारण स्टॉक यहाँ तक गिर के आया। और यहाँ पर फिर से देख सकते हैं मार्केट की गिरावट के साथ स्टॉक में गिरावट हो रहा है। तो जैसे इस लेवल के आसपास आता है 3500 के आसपास, आप इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। कभी यहीं पर पूरा इन्वेस्ट नहीं करना, हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से भी गिर जाए, या हो सकता है यहाँ जहाँ पे है वहाँ से नीचे गिरे ही ना, मतलब यहीं से ऊपर चला जाए, तो होने का स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो आपको हमेशा सोच के रखना है, अगर इतना आसान रहता तो हर कोई यहाँ से कमा के चल गया रहता। तो ये सारे रिस्क को देखना पड़ता है, जिस स्टॉक में जितना बेनिफिट है उतना रिस्क भी है। अब देखिए HLE ग्लॉसकॉट लेवल तो हमने नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ पर लेवल खुद पता नहीं है, ये स्टॉक जब गिरेगा कहाँ बॉटम बनाता है, बॉटम जब बनाने लगेगा तब हम आपको लेवल यहाँ पर बता सकते हैं यहाँ कितना ये करेक्शन कर सकता है। ये करेक्शन किसी को मालूम नहीं है, गिरेगा तो कितना गिरेगा, या हो सकता है यहीं से ऊपर भी चला जाए। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड है तो बने रहिए, या करेक्शन होता है तो वेट कीजिए बॉटम कब बनाता है। फिर अगला है प्रिंस पाइप, देखिए ये भी काफ़ी स्टॉक बेहतरीन है। अब देखिए प्रिंस पाइप ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ये भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका है। देख सकते हैं मात्र वो 100 रुपीज़ का स्टॉक 700 रुपये मिल रहा है। तो ये भी स्टॉक कभी भी 50% का करेक्शन दिखा सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। कभी भी हाईर लेवल पर ट्रेप होंगे तो आपका पूंजी जो है कई सालों तक फंसा रह सकता है, या हो सकता है ये स्टॉक यहीं से ऊपर भी चला जाए। तो वेट कीजिए, जब प्राइस अच्छे प्राइस पर मिलेगा स्टॉक फिर इंटर करेंगे। तो ये सारे स्टॉक जो आपको बता रहे हैं फिर किस लिए कि अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, जब अपॉर्चुनिटी मिलता है जब मौका मिलता है इस स्टॉक में बाय करते रहिए। जैसे देखिए मार्केट गिरावट खत्म हो गया, अब ऊपर जाना शुरू हो गया, तो जैसे ऊपर जाना शुरू हुआ आप जो स्टॉक जहाँ पर है उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी एक ही बार सारे रुपया मत लगाइएगा, थोड़े थोड़े अमाउंट लगाते चलिएगा। अब देखिए हिंदुस्तान फूड ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है FMCG सेक्टर से, और ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये यहाँ पर देखिए 1900 के लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें गिरावट होगा। अगर ये स्टॉक यहाँ पर 2500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये स्टॉक यहाँ से बुलिश हो जाएगा। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 4 महीने से। अगला है ADF फूड्स, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, तो क्या यहाँ पर अब फंस जाए, यहाँ पर कभी भी बाय नहीं करना है। इसी तरह अमर राजा बैटरी का मैंने वीडियो बनाया था, कोई यहाँ पर जैसे बनाया हायर लेवल पर वो वहाँ पर बाय कर लिया, अब न्यूज आया उसमें स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन दिखा दिया,
ऐसा नहीं कि हमारा जो बैक टेक गलत स्टॉक है, काफ़ी अच्छे स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन कभी भी हायर लेवल पर आप बाय करते हैं तो फिर दिक्कत है। आपको हमेशा लोअर लेवल पर बाय करना है, जब स्टॉक यहाँ पर गिरावट होगा, बॉटम बनाएगा, उस समय बाय कीजिए। उस समय भी एक ही बार नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करना है। हो सकता है देखिए यहाँ पर स्टॉक में गिरावट हुआ तो लगातार यहाँ तक आया, तो उसी तरह हो सकता है स्टॉक यहाँ से गिरावट हो, यहाँ तक आ सकता है 50% तक, या हो सकता है 20% गिरावट हो। तो जब गिरावट होता है उसमें बाय कीजिए, तो वहाँ पर रिस्क आपका कम हो जाएगा। अगला है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है आईटी सेक्टर का, और ये स्टॉक भी देखते हैं 300 से 900 तक रैली कर चुका है। इस स्टॉक में भी जब करेक्शन होता है तब बाय करेंगे, अभी कभी भी मतलब अभी भी हायर लेवल पे बाय नहीं करना है। उसके बाद है अल्काइल एमिन्स, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक। ये स्टॉक तो पिछले साल से मैं बता रहा हूँ कई बार, देखिए एक साल से ये स्टॉक मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न देगा, और वहाँ से चलते गया स्टॉक के स्प्लिट भी हुआ, फिर भी ये स्टॉक में रैली उतना ही है, लेकिन अब यहाँ पर बाय नहीं करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर बाय करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, अगर तेजी आता है तो बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए वेट करेंगे, क्योंकि केमिकल सेक्टर के सारे स्टॉक काफ़ी रैली कर चुके हैं। तो हो सकता है एक फेज आता है जब स्टॉक में कंसोलिडेशन होता है, तो कंसोलिडेशन फेज में बाय करने से आपको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखना है जो छोटे टाइम फ्रेम है डेली चार्ट पे, अगर तेजी आता है तो बाय करेंगे, अदरवाइज वेट कीजिए। लेकिन ये सारे स्टॉक काफ़ी पोटेंशियल रखता है आपको एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देने का, तो सारे स्टॉक वॉचलिस्ट में ऐड कीजिए, जिसमें तेजी बन देखने मिले आपको उसमें इन्वेस्ट करते चले जाइए। अगला है अतुल लिमिटेड, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक। ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म के लिए, बेहतरीन बिजनेस भी है कंपनी का, इसका सिर्फ केमिकल बिजनेस नहीं और कई सारे बिजनेस है, बिजनेस भी डाइवर्सिफाइड है। ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म के लिए, और जब भी गिरावट में आता है, गिरावट में मिलता है, तो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगला है दीपक नाइट्रेट, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, और ये स्टॉक भी देखते हैं काफ़ी डायली कर चुका है, लगभग 300 रुपीज़ के स्टॉक 1700 पहुंच चुका है। तो इसको तो निश्चित ही अभी बाय नहीं करना, जब तक ये कंसोलिडेट हो करके हमें नीचे के प्राइस पर नहीं मिलता है तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सारे स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त हैं, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगला है टीटीके प्रेस्टीज कुकर, टीटीके प्रेस्टीज काफ़ी बेहतरीन स्टॉक। ये भी स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, अगर गिरावट मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन काफ़ी महंगे स्टॉक भी है, तो आप इसके बदले और स्टॉक हॉकिंस कुकर उसको ले सकते हैं, इस सेक्टर के वो भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। या आप इसको लेते हैं तो काफ़ी मतलब नीचे अगर गिरता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। उसके बाद लुड्स लैब, इसको देखिए यहाँ पर हाई लेवल पर ट्रैप मत होइए, यहाँ पर ट्रैप होते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका है, मात्र ये 70 रुपीज़ का स्टॉक 700 के आसपास पहुँच चुका है, अभी 600 पर है, ये अच्छा खासा मतलब यहाँ से थोड़ा सा 640 तक पहुँच चुका था, वहाँ से थोड़ा सा नीचे मिल रहा है, तो यहाँ पर करेक्शन होने दीजिए। गिरावट होता है, गिरावट के बाद रैली होता है, तो जो डेली टाइम फ्रेम है उस पर आप पोजिशन बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अभी ये सारे स्टॉक नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी रैली कर चुके हैं, तो यहाँ से ये 50% भी करेक्शन दिखा सकता है। ये सारे बेहतरीन स्टॉक हैं जो कि आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए, अगर गिरावट मिलता है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, गिरावट में जब भी मिले आप ऐड कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके देगा ये सारे स्टॉक्स। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जब पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।